ओह माय गॉड, मेरे को तो एक चीज दिखी है। मैं देखता हूँ, आपको जूम करके दिखाता हूँ, अगर आपको दिखती है तो। मेरी नजर पड़ी है, पता नहीं नीलगाय है क्या है, देख सकते हो गाइस। आप मेरा हाथ देखो, मेरी उंगलियां देखो, इससे कंपेयर करने की कोशिश करो कि भाई ये कुत्ते का पंजा होगा। मेरे को तो नहीं लगता भाई कुत्ते का पंजा होगा। मेरा हाथ कंपेयर करो आप, बहुत बड़ा पंजा है। दो खुर, किसी के दो खुर होंगे तो उसका पंजा है। अब या तो ये हिरन का पंजा हो सकता है यहाँ पे, या फिर नील गाय का पंजा हो सकता है, और नील गाय का पंजा इतना छोटा हो मुझे लगता नहीं है। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल ब्लॉग विद राज, एंड मैं हूँ राज। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे हो गए। सो गाइज, अभी देख सकते हो आप मैं कहाँ हूँ, गैस करो कहाँ हूँ। चलो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे हूँ जो सुखना लेक, इसको ना वाइल्ड लाइफ, जो सुखना लेक की जो वाइल्ड लाइफ जो ट्रेल है, इसको बेसिकली ट्रेल बोलेंगे। तो मैं वहाँ खड़ा हूँ। मैं आप देख सकते हो मेरे दोनों साइड पानी है, इस साइड पानी है सुखना लेक का, और इस साइड पानी है सुखना लेक का, ठीक है दोस्तों। और सेंटर में टी पॉइंट है। और मैं आया कहाँ से हूँ, मैं आया हूँ आप देख सकते हो पीछे आपको डैम दिख जाएगा, जो वो सुखना चाव डैम है, वो सामने डैम है। उतनी दूर से मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है गाइस। और कहाँ से आया हूँ, और इधर से देख लीजिए, इस साइड से आया हूँ मैं, इस साइड से रास्ता है, और वो उस साइड के करीब सुखना डैम है। काफ़ी दूर से आया हूँ मैं और यहाँ खड़ा हूँ मैं, और मुझे लगा कि आप लोगों को यार मैं पहले आया हूँ, थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि वीडियो बना लेनी चाहिए आपके लिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मुझे लगा कि शायद कुछ ना हो, कुछ डिफरेंट सा लगेगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा लगेगा, तभी आपको वीडियो वगैरह बनाने का फ़ायदा है, मोटिव है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आया तो मैंने सोचा, डिसाइड करा वीडियो बनानी चाहिए, तो ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो अभी देखते हैं, आपको आगे लेकर चलेंगे, देखेंगे क्या चीज़ें हैं यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाली, क्या चीज़ आपको दिखाने वाली है, ठीक है दोस्तों। और मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैं आपको रियर कैमरा ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है गाइज। सो गाइज, लोग चलते रहते हैं, ठीक है दोस्तों, लोग चलते रहते हैं, नीचे कभी ध्यान नहीं जाता, ज़मीन पे कभी ध्यान नहीं जाता। तो मेरा ध्यान गया, मैंने ऑब्जर्वेशन करा। सो दोस्तों, कल की डेट में ना बारिश हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी बारिश हुई होगी। तो मैं आपको करीब से ना, मैं आपको जो पैरों के निशान हैं मैं दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हो पैरों के निशान किसके हैं, कुत्ते के तो नहीं है, कुत्ते के तो तीन पंजे होते हैं। अगर आप कुत्ते का देखोगे तो तीन होते हैं पंजे होते हैं, तो ये आप देख सकते हो दो पंजे, दो खुर, किसी के दो खुर होंगे तो उसका पंजा है। अब या तो ये हिरन का पंजा हो सकता है यहाँ पे, या फिर नील गाय का पंजा हो सकता है, और नील गाय का पंजा इतना छोटा हो मुझे लगता नहीं है, ठीक है दोस्तों। या फिर हो सकता है कुछ और हो, लोमड़ी हो, सियार हो, या कुछ और हो सकता है। या मुझे जहाँ तक लगता है, दो पंजे सिर्फ या तो घोड़े के होते हैं, या तो गाय के होते हैं, या नील गाय के होते हैं, या आप हिरन के लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये कहीं ना कहीं किसी जंगली जानवर का निशान है, बट गाय, नील गाय का भी नहीं लग रहा है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी तरफ मैं दिखाता हूँ आपको, दूसरी तरफ मैं दिखाता हूँ ये, बाकी आप देख सकते हो ये जो पंजे हैं ये भी पुराने हैं, ठीक है, और ये भी बहुत सारे पंजे हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, ठीक है दोस्तों, सूख चुके हैं, पुराने हैं। ये भी देख सकते हो, ये ठीक ठाक बड़ा लग रहा है, ये लग सकता है नील गाय का होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको ना ताज़ा पंजा दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं ताज़ा पंजा, देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये ताज़े पंजे हैं यहाँ के। आप कह सकते हो यहाँ पे शेर या लेपर्ड या कोई ना कोई ज़रूर घूमता होगा। अब ये ताज़े पंजे हैं, ठीक है दोस्तों।
आगे, ये तो खैर आपको इंसानी पंजा दिख रहा होगा पैर का, ये तो छोड़ ही दो। और एक और दिखाता हूँ मैं, जो भाई साहब आज जहां तक मुझे लगता है ये सुबह की बात होगी, ये पंजाब देखिए, ध्यान से देखिए, अभी भी मिट्टी जो है बहुत ज्यादा गीली है, ठीक है दोस्तों, मिट्टी बहुत ज्यादा गीली है, सूखी नहीं है। ये सुबह की बात होगी जब इसमें पानी भरा होगा, भर रखा होगा, उस टाइम किसी जंगली जानवर का पैर पड़ा है, ठीक है दोस्तों, और इस तरह का कुछ पंजा दिख रहा है। और ये पंजा भाई कुत्ते का तो लग नहीं रहा है, जिस हिसाब से आप मेरा हाथ देखो, आप मेरा हाथ देखो, मेरी उंगलियां देखो, इससे कंपेयर करने की कोशिश करो कि भाई ये कुत्ते का पंजा होगा। मेरे को तो नहीं लगता भाई कुत्ते का पंजा होगा, मेरा हाथ कंपेयर करो आप, बहुत बड़ा पंजा है ये भाई। या तो मेरे हिसाब से लगता है या तो चीते का या लेपर्ड का पंजा हो सकता है, ठीक है। आप इधर भी देख सकते हो, आप ये देख सकते हो गाइस, ये सूख चुका है, पुराना है, कुत्ते का पंजा तो लग नहीं रहा, क्योंकि कुत्ते का पंजा जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है दोस्तों। तो मेरा ठीक है गाइस, हाँ जी दोस्तों, तो गाइस ये हिसाब से ट्रेल बनाई गई है, ये वाइल्ड लाइफ जो भी इसका एक्सपीरियंस है वो लोग ले सकें, इसका एक्सपीरियंस, नेचर का एक्सपीरियंस ले सकें, इसलिए ये जो ट्रेल बनाई गई है सुखना लेक के ऊपर। तो गाइस आप देख सकते हो, तो लोग क्या है, आप देख सकते हो बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, घूम रहे हैं बगैर किसी खौफ के घूम रहे हैं, और उनको हो सकता है यहाँ पे कोई जंगली जानवर भी हो, जिस हिसाब से आपने यहाँ के पंजे देखे, लोगों की नज़र नहीं जाती है, बिल्कुल नज़र नहीं जाती है भाई, नीचे तो देखते ही नहीं है, बस उनको तो ऊपर देखना है भाई, नीचे भी देख लो, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, लोग बिंदास घूम रहे हैं, ठीक है। और मैं बताऊं, मैं आपको, लोग बिंदास घूम रहे हैं और कोई डर ही नहीं है कि जंगली जानवर होगा भी यहाँ पे, अगर बाई चांस हो गया तो क्या होगा, बाई चांस कोई जंगली जानवर, चलो दिन में क्या होता है, यहाँ पे पब्लिक है, ठीक ठाक पब्लिक, आप पीछे इस साइड से भी देख सकते हो, लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं बिंदास, बिसी मतलब कि बिना किसी डर के बिंदास घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है, ठीक है दोस्तों, कि भाई यहाँ पे सांप भी मिल सकता है, यहाँ पे एलिगेटर्स वगैरह भी मिल सकते हैं, जंगली और भी जानवर हैं, लोमड़ी सियार भी मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है गाइस, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो लोग फ्रंट साइड में घूमते हैं, लोग फ्रंट लेक के फ्रंट साइड में घूमते हैं, बट यहाँ पे क्या है, बैक साइड में घूमना पसंद करते हैं लोग, ठीक है गाइज। तो इस तरह का कुछ है, आने को तो गाइज आप आ सकते हो, घूम सकते हो, बट मुझे क्या है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपको शेयर करना था, बताना था, ठीक है दोस्तों। तो भाई अगर यहाँ पे आते हो थोड़ा सा अलर्ट रहो, ठीक है, दिन में हो सकता है कोई जंगली जानवर होता है तो हो सकता है छुपा हो, बट जैसी जैसी अंधेरा होने लगे आपको निकल जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक होने के कारण कोई जंगली जानवर अगर होता भी है तो छुपा बैठा होता है और रात होते ही निकल सकता है, तो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, सो दैट्स वाई आपको निकल जाना चाहिए अंधेरा होते ही, ज़्यादा आगे भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है गाइज। चलिए और कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, मेरा था काम आपको इंट्रोड्यूस कराना चीज़ों से, तो मैंने बताया आपको, ठीक है, तो बने रहे इस वीडियो में। एंड गाइज आप देख सकते हो ये टी पॉइंट है, यहाँ से एक रास्ता इस तरफ को गया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये रास्ता देख सकते हो, ये टी पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। अब इधर से टी पॉइंट से एक सामने भी रास्ता जाता है तो एक इधर भी रास्ता जाता है, तो ये रास्ता यहाँ से भी देखने से ना रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा गाइज, मैं अगर जूम भी करता हूँ अगर आपको पता चलेगा, तो यहाँ से देखने से भी रास्ता ख़त्म नहीं होता, पता नहीं कहाँ तक रास्ता गया है, तो ये क्या सेफ होगा लोगों के लिए, मुझे नहीं लगता सेफ होगा। देख सकते हो गाइज यहाँ लोग आते रहते हैं, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि भाई कोई जंगली जानवर भी हो सकता है, ठीक है। और अभी तो टाइम भी हो गया है, ओ माय गॉड, मेरे को तो एक चीज़ दिखी है, मैं देखता हूँ आपको जूम करके दिखाता हूँ, अगर आपको दिखती है तो, मेरी नज़र पड़ी है, पता नहीं नील गाय है क्या है, देख सकते हो गाइस जी दोस्तों। तो मेरी तरफ से तो यार यहाँ पे आना तो यार ठीक नहीं रहेगा, सेफ लोगों के लिए, अगर आप छड़े मलंग हो,
तो तीन चार पांच लोगों के साथ में आओ तो ज्यादा बढ़िया है। ये रास्ता जा रहा है बाहर की तरफ, ये रास्ता आप देख सकते हो सुकना लेक की तरफ जाता है, डैम की तरफ, बाहर की तरफ जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा इस साइड लेके चलूंगा। मैं आप देख सकते हो बोर्ड वगैरह भी बकायदा लगे हुए हैं, सब कुछ है, वार्निंग वगैरह भी दे रखी है। लोग आते हैं मानते नहीं है, क्या बताएं। ठीक है, और ये मेरे पीछे देख सकते हो गाइस, एक इधर रास्ता गया हुआ है। ठीक है, और अभी हम इस साइड चलेंगे, दिखाते हैं थोड़ा सा आगे जाके। ठीक है, और चलिए। ठीक है दोस्तों, सो गाइज अगर आप आए हो यार यहाँ पे जो सुकना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, मतलब यहाँ पे आप आए हो ट्रैकिंग ट्रुकिंग के लिए या फिर साइकिलिंग वकलिंग, कई बंदे साइकिल वगैरह भी लेकर आते हैं और वैसे भी आते हैं। अगर आप आए हो तो बताओ यार, कमेंट सेक्शन में बताओ आप आए हो, ताकि लोगों को भी पता चले। ठीक है, एंड काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। देख सकते हो गाइज मोरों की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, और उधर नील गाय है, आई थिंक नील गाय है या हिरन है या बारह सिंह कुछ है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो ब्लर आएगा, काफ़ी दूर है वो, दिखेगा नहीं। तो ये चीजें हैं गाइस, और वीडियो को यार लाइक कर दो। ठीक है दोस्तों, वीडियो लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लाइक इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने के लिए, और इंस्पायर होते हैं हम लोग कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं आपके लिए। तो लाइक कर दिया करो, लाइक में कोई कंजूसी नहीं। और वीडियो और सब्सक्राइब नहीं किया अगर हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चंडीगढ़ से रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ मैं, व्लॉग वगैरह शूट करता रहता हूँ। ठीक है गाइज, तो इसी तरह की वीडियो, इंटरेस्टिंग प्लेसेस वगैरह जानने हैं, देखने हैं आपको, चंडीगढ़ से रूबरू होना है हर एक चीज़ से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको ब्लैक कर दीजिए, लाइक और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है दोस्तों, और आप क्या कहना चाहोगे गाइज, अगर यहाँ पे आना सेफ है या नहीं सेफ है, क्या है, क्या सोचते हो आप इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको इसके फुट के पंजे के निशान दिखाए मैंने आपको ज़मीन के ऊपर, मुझे जहाँ तक डाउट हो रहा है कि हो सकता है यहाँ पे लेपर्ड वगैरह या फिर चीता वगैरह हो जो आपके ऊपर अटैक भी कर सकता है। कुछ नहीं पता कौन सी झाड़ियों में बैठा हो, देख सकते हो कितनी सारी झाड़ियाँ यहाँ पे, इस साइड देखो आप, इस साइड देखो कितनी सारी झाड़ियाँ हैं। और जाहिर सी बात है उधर मैं आपको दिखाऊँ तो एक वो भी घूम रहा है, नील गाय है पता नहीं, और वो है बारह सिंगा जिसको बोलते हैं, हिरन बोलते हैं, वो भी है। तो जाहिर सी बात है इस तरह के अगर जानवर यहाँ हैं तो वो भी हो सकता है, लेपर्ड वगैरह भी हो सकता है, चीता वगैरह भी हो सकता है। अगर शेर नहीं है तो चीता तो कम से कम हो सकता है यहाँ पे, तो वो भी इंसान के लिए बहुत डेंजर है बहुत ही। तो बताओ यार आप कि भाई ठीक है कि नहीं है, ठीक है यहाँ पे आना। तो मैं तो यार जस्ट आ गया कि देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं भाई किस तरह का क्या माहौल है। बट जो सेफ लोग हैं, जो फैमिली वाले हैं, तो भाई उनको मैं रिकमेंड करूँगा इस जगह पे ना आए। अगर आते भी हैं तो थोड़ा बस ये टी पॉइंट तक आए, ये जो टी पॉइंट है आप देख सकते हो, ये टी पॉइंट है, यहाँ ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है टी पॉइंट, यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से या तो उधर जाओ, या तो उधर जाओ, या तो इधर जाओ। ठीक है, तो इस साइड बहुत ज़्यादा डीप जंगल हो जाता है। ठीक है, तो ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, क्योंकि सेफ्टी भी बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पर मुझे दिख नहीं रही है। और सेफ्टी भी क्या करेगी जब तक यार कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए। ठीक है दोस्तों, सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ, ब्लॉग वगैरह शूट करता रहता हूँ। ठीक है गाइज, ओके, बाय बाय, टेक केयर।